और नाना अबू का भी अपडेट माशाल्लाह से हो चुका है। देखो एक आँख का व्यू हुआ है तो एक आँख का जो है ना एक हफ्ते या 15 दिन के जो है ना बाद हो गया। ठीक है नानू, इजाज़त है, अल्लाह पाक तो सेहत देवे और खैर खैरियत नाल पहुँच बंदो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी तैयारी वगैरह कर ली, और जैसा कि आप सब लोगों को पता है आज मंगल का दिन है और आज हमने जाना था नाने अबू का जो है ना ऑपरेशन करवाने के लिए, आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए। तैयारी मेरी मुकम्मल हो गई है, फुल हो गई है और नाना अबू भी यहाँ पर सोए हुए हैं। नाना अबू जुलू टाइम ठीक है सही जी? हाँ जुल दे प्यो टाइम ठीक है सही, बस में 5 मिनट सब्र करो निकल दे प्यो इंशाल्लाह। डॉक्टर ना रबता ठीक है ते ऊँ आखे सही, बस इवें आधे घंटे तक आ वो बवन टाइम गुजर गए जुल दे प्यूँ वाले इंशाल्लाह तैयारी कर वैसे ना ऑपरेशन दी ते वाले निकल दे प्यूँ। ठीक है चले जी। तो भाभी को मैंने बोला कि मेरा शूज जो है ना मुझे दे दें, तो फिर टाइम ओवर हो रहा है ना क्योंकि निकलना है। रुकमान आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है क्योंकि मैंने मुंशी को बोल दिया है, तो आपने जाना है शहर, वो कन्वेटर जो ख़राब हुआ पड़े उसको तो बनवाओ। पैसे नहीं है पैसे। यारो मैंने मुंशी को बोल दिया है ना, वो मुंशी जाने और पैसे जाने, तुम उसके साथ जाना है तुमने। वो उसने बोला है कि पैसे नहीं है भाई। यार पिछली बार भी मैं बनवा के आया था, पकड़ना ये, पिछली बार भी मैं बनवा के आया था, आपको पता तो है, कुछ तो कर लो। क्या कर लें, पैसे दोगे तो हम जाएंगे। यार मुंशी के पास पैसे हैं, चलो मैं मुंशी को दे देता हूँ पैसे, हर टाइम पैसे पैसे आते। क्या करूँ दास, शूज मैंने लगा लिया है, शूज कपड़ा शपड़ा लगा के शशका बना के ना फिर जाना पड़ता है हॉस्पिटल। को पता भी चले यार डॉक्टर डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आप क्यों हंस रही हैं? क्यों हंस रही हैं बच्चा बताएं, हैं क्यों? अच्छा नहीं लग रहा क्या? बुरा लग रहा हूँ? फिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, जब बंदा बुरा लगता है तो बंदा हंसता है ना, हैं बताओ। वो बुरा लग रहा हूँ मैं नहीं, इसके हंसी की वजह पूछो। पता नहीं है, पूछ ना तू क्यों हंस रही है, पूछ भाई। हमारे डॉक्टर अच्छे लग रहे इसलिए हंस रही है। जिंदगी में को पहली बार मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या? अच्छा मैले कपड़े पहनूं तो अच्छा नहीं लगता, अच्छे कपड़े पहनूं तो फिर अच्छा लगता हूँ। बड़ी बात है, फिर हंसने की वजह क्या है? कि आज गंदे लगते हो, आप देखो मुझे पता है जिस बात से हंस रही हो तुम, महीने के बाद आज मैंने कपड़े पहने तो आप ऐसी वजह से हंस रही हो, है ना लुकमान? हाँ एक महीने के बाद आज पहने हैं मैंने कपड़े, हाँ नहीं अच्छे कपड़े मतलब साफ साफ कपड़े नए कपड़े, इसी वजह से यार। बनाओ बनाओ जी मेरा मजाक बनाओ, जिसने बनाना है कोई मसला नहीं है। आज शशका बनाया है ना इसी वजह से भाभी हंस रही है, पता नहीं क्यों हंस रही है यार, कहती है कि बहुत दिनों के बाद आप आज अच्छे लग रहे हो। तो ये देखें शूज मोज शशका बना दिया। यार हॉस्पिटल जा रहा हूँ और हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ ना मैं, जहाँ पर मतलब कि मैं पहले काम करता था, तो फिर वो देखने वाले जो कलीग्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि यार कैसे हम ये बन गया है, फिर बन जान के जाना पड़ता है भाई। सरदार जी सर, सरदार क्या हाल है तेरा? यस सर ठीक हो, तबीयत से ठीक है सरदार? तैयारी मुकम्मल है सरदार जी, सलब लगाओ सरदार, पहले फोन कर लो उसको। सरदार हो गया, हो गया फोन, आ गया फोन, हो गया, टेंशन ना लो, चलो उधर वेट ना करना पड़ेगा, लेट हो रही है अभी, कोई वेट नहीं करना पड़ेगा आप, चलो हाँ कोई वेट शेट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने 10 बजे का बोला था, मैं आपको 11 बजे लेके जा रहा। और जनाब यार आप जाओगे शहर? देखो सोच रहे हैं, जाना तो पड़ेगा, कन्वेटर खराब है, कन्वेटर का पंखा यहाँ दिखाना है, वो तो चलेगा, कन्वेटर खराब है उसको ले जाओ, उनका पंखा जो है ना बनवा के ले आओ, वो कन्वेटर पड़ा हुआ है ये सामने, ये पहले हम बनवा के आए थे, अभी इसका जो है ना ये पंखा सही है, ठीक है ना? पता नहीं क्या वजह है, कोई लोडिंग का मसला आ रहा है, पता नहीं क्या इशू है, कोई ना कोई इशू है। तो अभी निकल रहे हैं जी शहर, तो फिर जाके देखते हैं नाने अबू का ऑपरेशन कराते हैं, फिर आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे। ओके जी,
क्या थी गई हूं तो चंगा भला खड़ा है क्या थी गई मैं ऐसी नहीं हवा ले ना ओए दे दे यार मुंची के काम चेक करो ओए हां तो क्या करे ना पे ऐसी नहीं हवा ले उधर देखा अंधी पे हैं मुंची के काम चेक करने कहते ऐसी की हवा लगवा दूं चले जी अल्लाह मतलब गाड़ी चलाने डाल ली है नाना वो भी आ रहे हैं मजेदार है यार यार शीशा बंद करो उधर से मिट्टी आ रही है सारी मैं शीशा वाला एक मिनट इनके अंदर आना ओए ना कर ओए ना कर लगेगा बनाना वो भी आ रहे हैं नाने वो क्या मतलब नहीं मैं घुटे नहीं है कि हां डाडी घुटी है बंदे को डाडी घुटी है ये डाडी घुटे ना सीन है ना ये खुद मरे नहीं पी नाने बुक ले आओ वो अब वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं वो तो ना काम वॉशरूम गए हैं थोड़ा सा चलें जी नाने अबू आते हैं फिर उनको अभी फ्रंट सीट पे बिठाऊंगा मैं अभी हवा लगवा लूं ऐसी की शशका मार लूं तो यार गर्म हो रहा है यार शीशा बंद कर दे यार गर्म हो रहा है भी इंसान लगवाने दे यार वो गर्म हो रहा है ना अंदर आके बैठ जाए वो धूल मिट्टी आ रही है वो देखो ये मेरे ख्याल में भाई अल्लाह पाक दे देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाक ऐसे क्या होगा बड़े भाई को चल पड़ा मुझे खराब हो रही मैं ये बोलूंगा आपको कि अगर एसी की हवा लगवानी है गाड़ी के अंदर आके बैठ जाओ बाहर से नहीं बाहर से क्या करना है अब हम भी गर्मी में मर रहे हैं आप भी गर्मी में मर रहे हैं ज्यादा ही आ रही है सारा यही उधर नहीं उधर घाट चंगा की ओ नाना बुआ रहे हैं चलो हट जाओ अब चलेंगे मैंने तो जाना है पीछे जी खिड़की खोल दो हाँ नाना बुआ आएंगे आगे जी आओ सही कपड़े मेरे ब्लैक है ना जल्दी खराब हो जाएंगे मिट्टी इतना है धूल मिट्टी चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़े मुंशी काम करके आना है यार काम करके आना है मेहरबानी आपकी यार थैंक यू आप जाना जब आप आओ ना शहर पे मुझे बताना ओके इंशाल्लाह ओके अल्लाह हाफिज़ चलो सर जी बिस्मिल्लाह पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलहमदिल्ला इधर हॉस्पिटल जो है ना हम पहुंच चुके थे और वहां से जो है ना नानू को एडमिशन करवा लिया नानू का तो अभी उनका एक घंटे तक जो है ना डॉक्टर साहब पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है ना पहले मेडिसिन दी जाती है तो आइज़ में डाली जाती है फिर उसके बाद जो है ना ऑपरेट किया जाता है उसका तो वो अभी मेडिसिन हमने डलवाया एडमिशन कराया हम नानू का एडमिशन हो गया फिर हमने इधर ATM लगाने के लिए आए हुए थे मामू और मैं तो ATM लगाया क्योंकि पैसे निकलवाने थे ऑपरेशन के पैसे देने हैं ना वो करवाए हैं उसके बाद जो है ना अभी हम जा रहे हैं मामू ने बोला कि भूख लगी हुई है नाश्ता कर लेते हैं मेरे ख्याल में कुछ खाया पिया नहीं है सुबह का इस टाइम तक क्योंकि घर में तो नाश्ता वगैरह आज बना ही नहीं है सुबह क्योंकि दोपहर को खाना बनता है दोपहर को खाते हैं तो जैसे आज आप लोगों को पता है डेली बेस जैसे होता है ना दोपहर का खाना बनाते हैं उसके बाद आज भी वही हाल है नहीं बना तो अभी मैंने कहा चल इस तरफ ये सामने मस्जिद है ना उसके साइड में इस तरफ अपना ड्राइवर साइड तो मैंने कहा चलो यार नाश्ता कर लेते हैं भाई चले जाते हैं नाश्ता कर लेते हैं जब तक रश है जाना ही है फिर वो वाली बिरयानी खा ले पीछे वाली फंस जाएंगे फायदा नहीं है जाने का पीछे वाली बिरयानी खा लेनी पीछे ये वाली बिरयानी खा ले चल पीछे वाली बिरयानी कौन सी ये पीछे मिलती है ना पीछे वाली बिरयानी नहीं वो पीछे मिलती है उसकी बात कर रहा हूँ चलो हाँ पीछे होटल है वहाँ पर जाके खा लेते हैं इधर से गाड़ी कटे कर लो ये सामने पुल पे मैंने बोला कि आज आपको मैं ना वो वाली बिरयानी खिला दूँ वो अपना कौन क्या कहते हैं यार वो अकरम वाली लेकिन नसीब में नहीं है हाँ वो रश है ना अंदर शहर के अंदर जो है ना रश है आपको पता है तो इसी वजह से चलें जी जाके अभी वहाँ से जो है ना खाते हैं
बिरयानी बिरयानी खाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं और आप लोगों को भी खिलाते हैं। खुद हमें भूख लगी, हम खुद भी खाते हैं आराम से। उत्साह जी उत्साह जी आराम से कट्टी है यार। अच्छा यार आप लोगों को एक और बात बताऊं मजे की, ये मेरा उस्ताद है ड्राइविंग का, ये गाड़ी ड्राइविंग का ये उस्ताद है मेरा। तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे, हाँ जी किसने मुझे गाड़ी सिखाई है यार उस्ताद। वैसे जो किसी को उस्ताद मान ले ना तो वो कामयाब होता है। बाकी माशाल्लाह आपने खुद गाड़ी सीखी है, एक दो बार मैं बैठा था आपके साथ यार, बैठे थे ना, समझाया भी था आपको काफी चीजें, मैंने समझाई थी ड्राइवरी के हिसाब से ना। तो बाकी ये होता है कि और भी ड्राइवर आपके साथ बैठे होंगे, लेकिन ये नहीं, होता नहीं, है कि एक बंदा किसी को उस्ताद मानता है ना। गाड़ी चलाने में से मुझे कुछ ट्रिक बताने के लिए ना कोई मेरे साथ नहीं बैठा, ना किसी ने सिखाया है। फर्स्ट टाइम आपने मुझे जो मेहरान जब लेके आए थे उसके ऊपर सीखा था हमने, इधर गाड़ी लगाओ, यहाँ पर गाड़ी लगाओ, इसको हॉर्न दो। यार वो खुद कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच गए अलमीज़ान बिरयानी सेंटर पे, अलमीज़ान पकवान सेंटर एंड न्यू कराची बिरयानी शॉप में। तो जब भी शहर आते हैं तो यहाँ से जो है ना बिरयानी खाते हैं, और इनका टेस्ट जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा टेस्ट है। और भाई सारे कोऑपरेट भी करते हैं और सारे जानने वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मामू को भी मैंने इधर ही बिठा लिया, मैंने कहा आज बिरयानी यहाँ इधर से ही खा लेते हैं। जनाब इधर की बिरयानी आज आप खाओगे ना तो शमा भी, हाँ वो वाली कैसे टेस्ट है कि नहीं, अच्छी है माशाल्लाह। चलें जी बिरयानी का ऑर्डर मैंने दे दिया, एक किलो का, एक किलो हम दो बंदे खाएंगे माशाल्लाह से। आज बहुत खाएंगे बिरयानी यार, उसको बोल देता हूँ मैं। भाई एक मिनट तो देना यार, अच्छा ना उसमें ना मसाला कम डलवा लेंगे ना फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा यार। वाइट जो है ना वाइट चावल वो आपने ना थोड़े ज़्यादा करने हैं, मतलब मसाला कम रखना है मसाले वाले चावल। ओके थैंक यू शुक्रिया। तो मसाले वाले जो है ना मैंने बोला कि कम कर देना, तो वाइट जो चावल है ना वो ज़्यादा कर देना, क्योंकि मसाला आजकल बहुत गर्मी है ना, गर्मी की वजह से बहुत ख़राब कर रहा है। चलें जी जब आती है बिरयानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर वो खाएँगे बिरयानी खा के फिर निकलते हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ पर नानू का भी तो ख्याल रखना है अभी नानू, वैसे हॉस्टल में सारे अपने कंपोर्ट बंदे सारे अपने हैं, तो अगर जो है ना नानू अभी रेस्ट कर रहे हैं, उनकी आंखों में जो है ना दवाई डाल दी गई है, तो बस कुछ ही देर में ऑपरेशन हो जाएगा नानू को। 5 मिनट का ऑपरेशन होता है यहाँ का। तो फिर जो है ना जनाब आपका क्या इरादा है फिर किस चीज़ का, फिर वापस चलना है ना उधर या फिर उधर घर? अभी जब अबू का ऑपरेशन होगा ना उसके बाद फिर मैं, ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर साफ ज़रा आधा घंटा तो पीता लगेंगे ना। सही है ठीक है, तो फिर मैं जब तक अपनी फैमिली को लेके आऊँगा। ठीक है फिर इधर हॉस्पिटल आ जाएंगे, इधर से अबू को खा के फिर हम सीधा चले जाएंगे। हाँ एक बार मैं घर जाऊँगा तो वो मैं साथ जाऊँगा ना, फिर जब जाओगे मुझे छोड़ दोगे उधर फिर आप चले जाओगे। चलें जी ओके हो गया। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़े, बिरयानी आ गई है ये देखें, और ये वाइट चावल मैंने डलवा दिए, ये टेस्ट में अच्छे हो जाएंगे। जानू माशाल्लाह जी। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, तो रायता भी आ चुका है बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जनाब। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, बड़ा वेट किया था इसलिए मैंने खाना वहाँ के खा दिया, खाना खाने के बाद। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अभी हो रहा है 2:30 का, तो फैनली नानू जान का जो है ना ऑपरेशन फैनली हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ, गर्मी बहुत है अभी, गाड़ी में ही है और मामू जो है ना आज ही निकलेंगे घर वापस, क्योंकि गर्मी बहुत है, फिर नानू की केयर भी करनी है और गर्मी से बचाना है। तो बाकी की जो मतलब होगी मेडिसिन वगैरह और बाकी की सहूलियात वगैरह, वो अगर वैसे तो हर चीज़ का पता है, डॉक्टर ने समझा दिया है मामू को, लेकिन अगर नहीं होगी तो वो फिर पूछ लेंगे डॉक्टर से, रब्ता तो है हमारा ऑलरेडी। तो नाना अबू का भी अपडेट माशाल्लाह से हो चुका है, देखो एक आँख का भी हुआ है, तो एक आँख का जो है ना 1 हफ्ते या 15 दिन के जो है ना बाद हो गया, तो वो भी
इंशाल्लाह कराएंगे। फिलहाल इसका जो है ना इसको ठीक करेंगे, कतरे शतरे डालेंगे, जो मेडिसिन जो है ना डॉक्टर ने साथ दी है। पहला हमारा ऑपरेट हुआ है लाने का, पहला फर्स्ट नंबर पे। तो अभी हम निकले हैं घर की तरफ, अभी आप लोग घर जाओगे ना सीधा डायरेक्ट, गाड़ी उधर खड़ी कर देंगे ना जी। तो बल्कि मैं फोन करता हूँ जी, जी सभा को कहता हूँ रेडी हो जाए जी, तो गाड़ी ऐसे बाहर ही खड़ी करेंगे जी, जी ऐसे चलता रहेगा सर, गर्मी में नहीं क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। हाँ गर्मी बहुत है, तो बस सीधा फिर घर सही हो गया। अभी घर रवाना है, मेरे घर में रवाना है अभी, उधर से जो है ना गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे, मामू ने कहा फ़ौरन यहाँ से रवाना होंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मियों में फिर आँख ख़राब हो जाती है। तो यहाँ से तो एसी पे चले जाएंगे गाड़ी पे, तो घर वैसे भी एसी लगा हुआ है, तो घर जो है ना एसी पे जो है ना इंसानों की जो है ना अच्छी से मतलब केयर हो जाएगी। तो अभी घर जा के जो है ना फिर देखते हैं वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है ना फैमिली पहुँच चुके हैं, और नाना बूबी और सारे लोग, और इधर हसन भी माशाल्लाह आ चुका है, और इधर बेबू भी माशाल्लाह। हसन कैसे हो? ठीक हो? घर जा रहे हो? हमको छोड़ के जा रहे हो? जी वाह। अच्छा बेबू और हसन जो है ना जा रहे हैं घर, ऑपरेशन फैलने मुकम्मल हो चुका है, और अम्मी भी माशाल्लाह से पहुंच गई है, और नाने अबू की तबीयत जो है ना पूछ रही है। तबीयत पहुँच गई ना जल्दी अम्मा? तबीयत जल्दी पहुँच के ना फिर दरी बंद कर दो, तबीयत पूछ लो, गर्मी बहुत है ना, फिर गर्मी हो जाएगी यार। आपको नाने आपको को लोग गर्मी में नहीं बिठाना ना। अब हम भी निकलते हैं बाहर, और ये लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ, और नाने आपको सुन। चल बेबो दरवाज़ा खोल, मुझे बाहर निकलने दे। तू बाहर निकलेगा ना, तू निकलेगा तो मैं निकलूंगा। अच्छा हसन बाय 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 बाय। अच्छा नहीं चलें जी, अंदर बैठ जाओ। नाना बोला इजाजत लेते, ठीक है नानू इजाजत है, अल्लाह पाक तो सेहत देवे और खैर खैरियत नाल पहुंच गयो। बाकी वाला जरा उसी सूरत हाल बार रब्ता कर गिनसो कुछ गिनसो है, ठीक है अल्लाह दबारो खैर फियामानिल्ला। तो अभी मामू और मामी जो है ना आ रहे हैं घर से सामान उठाने के लिए, गए हैं, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है क्योंकि आप लोगों को पता है ना हाय गर्मी, और आज मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ है, आप लोगों को बताया भी था सुबह की यार आज तो मैंने शशका लगाया हुआ है शशका। चलो जी बेबो और हसन पहुंच गए भाई, दुआ करें दोबारा ना आए। बेबो और हसन पहुंच गए हैं, ठीक है इजाजत, ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके इंशाल्लाह, अगर कोई मसला हो ना फिर आप तक कर लेना है, इंशाल्लाह जाके काली अनेक लगवा लेनी है कल पट्टी खोल के, ठीक हो गया। ओके हो गया जनाब। चले जी मामू वाले जो है ना जा रहे हैं घर, तो मैं अब जा रहा हूँ अपने घर, वहाँ पर जाके रेस्ट करते हैं, हवा लगवाते हैं, गरम गरम हवा लगवाते हैं क्योंकि एसी तो है नहीं। अभी गाड़ी पे बैठ के ना आए, बुरा हाल है, यकीन मानो कि बुरा हाल है सरदार। बस पूछो ना कि यार गर्मी कैसी है सरदार, गर्मी आखिरी है, बोर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, मुंशी और लगमान आपने बताया उनको बताया यार, उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं की, चले गए हम, उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं की, मुझे कॉल करते तब ना घर पर। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अम्मा क्या हाल है? तबीयत ठीक है माशाल्लाह, नानू का ऑपरेशन हो गया है, पहुंच गए, ये चार भाई फ्री कर दो आप लोग, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आप सुल्तान ही सोएगा, ठीक है। तो कोई खाना छाना बनाया अम्मा? लस्सी ठंडी करके मुझे पिला दो, लस्सी ठंडी करके मुझे पिला दो, तो फिर आप रेस्ट करते हैं फिर, ओके इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार सुबह का टाइम नहीं मिला, बिजी थे, कुछ रेस्ट की है, थका हुआ था यार, तो अभी जो है ना मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा और भी लोग भी शेयर कर लूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाने अब्बू का जो है ना ऑपरेट हुआ है जिस हॉस्पिटल में यार, बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया उन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम
सिटी अस्पताल वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमें प्रोटोकॉल दिया है। एक तो प्रोटोकॉल देने का मकसद उनका ये था, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में मैं पहले काम करता था, ठीक है ना, एज ए डिस्पेंसर काम करता था मैं, तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। लेकिन अभी हमारा कोई उस हॉस्पिटल में काम पड़ जाए ना, तो मैं चला भी जाऊँ ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं। तो तादेर से शुक्रिया अदा करते हैं सब डॉक्टर्स का और जितने भी वहाँ पर अमला है सबका। तो सब लोगों ने मतलब अपने अपने जो है ना रिस्पेक्ट की है, इज्जत की है, और सब लोगों ने अपना अपना प्यार खलूस जो है ना बांटा है हमसे। तो मुंशी भाई को भी पता है, मुंशी भाई हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह कितना इज्जत होती है हमारी, ठीक है ना, जब हम जाएँ तो माशाल्लाह कितना इज्जत होती है। लुकमान भाई भी गए थे माशाल्लाह, लुकमान भाई को पता होगा, लुकमान भाई कितना इज्जत होती है माशाल्लाह से, ये है ना, बहुत इज्जत करते हैं माशाल्लाह से। तो नाने अब्बू का भी ऑपरेट करवाया है ना, तो माशाल्लाह बहुत ही प्रोटोकॉल दिया गया है हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रोटोकॉल दिया है कि शायद हम इस प्रोटोकॉल के काबिल ना थे, ठीक है ना, हम तो छोटे बंदे हैं भाई, गरीब तबका है, निचले जो है ना जो होते हैं ना वो हैं, लेकिन बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली घर भी पहुँच गए हैं, मामू अहमद की अभी कॉल आई थी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए हैं, तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हफ्ते के बाद चेकअप भी है नाने अबू का आँख का, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे, कल पता चलेगा कि नाने की तबीयत अब कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया है, तो आज अम्मा ने क्या बनाया हुआ है, ओ माशाल्लाह आलू पालक, सदके जाऊँ आलू पालक, और बर्तन भी यहाँ पर रख दिए गए हैं, रोटी भी इधर रख दी गई है माशाल्लाह। हाँ अम्मा रोटियाँ स्टार्ट करो, अम्मा रोटी देना स्टार्ट करो, और दूध बना लिया है, चलो दूध भी बन जाएगा हमारा माशाल्लाह से। और आज हमारे घर में जो है ना एक नया मेहमान आया हुआ है, सरदार जवेद खान, तेरा क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, बिल्कुल फिट फाट माशाल्लाह माशाल्लाह। और चाचू भी आए हुए हैं, चाचू क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, बिल्कुल फिट, मिल गए सी दूध माशाल्लाह टाइम दे नाल, आज पहले तो बहु इंतजार करें दे आवे आज टाइम नाल माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी खाना जो रेडी है, पक्की गाल है, अच्छा चलो माशाल्लाह, कहते हैं खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना ए, मेहमान को खाली कटोरी देते हुए क्या है अम्मा, ए मेहमान को खाली कटोरी देते हुए यार ना किया करो यार, ये क्या मेहमान के साथ मजाक हो रही है मैं खाली कटोरी आई, अच्छा अच्छा आजकल आपके साथ भी मजाक करने लग गए हैं, वाह जी वाह, नहीं यार ये साथ में रखा हुआ है सब माशाल्लाह से, ये देखिए, और अब्बू भी बैठे हुए हैं, अब्बू के साथ खा रहे हैं। जवेद भाई कैसे हैं, कब जा रहे हैं घर, और कब जो है ना आ रहे हैं फिर सरियां काटने के लिए, सरियों को तो अभी देर है, अभी तो मतलब बिजाई हो रही है सरियों की, सही हो गया। तो कोई काम के हवाले से मतलब इधर आए थे या वैसे घूमने फिरने, काम के हवाले से, काम कर रहे हो इधर, क्या काम केस की अजमल जान, वो तो आज झगड़ा हो गया है फिर आज झगड़ा हो गया, फिर कल आप भी चले जाओ घर हाँ वो जगह बन रही थी इधर किसी की, तो उसके पास जो है ना ये मजदूरी करने के लिए आए थे, मजदूर बंदे हैं ये, मजदूर तबका है। तो चाचा गुलाम हुसैन जो पहले हमारे घर में आता था, ये उसका बेटा है जवेद, तो ये यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं, मतलब तो कोई मजदूरी मिल जाती है ना, तो वो जो है ना मजदूरी करने के लिए इधर आते हैं, तो फिर इधर कभी हमारे घर में रह जाते हैं, कभी मतलब जिसके घर में भी इनको मतलब अच्छे लगे उधर रह जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहमान रब की रहमत होती है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में ना डेली मेहमान है कि अल्लाह की रहमत जो है ना हमारे घर में बरसती रह जाए। तो बर्फ़ ले आए हो जनाब, सरदार कितना बर्फ़ घेने आज, पूरी 50 रुपये दी यार, इतना खर्चा लाजमी करना आज है, बहुत ज़्यादा ने खर्चा करा है आज, ना कर यार खुदा दी कसम है आज बहुत खर्चा कर रहे हैं, यकीन मैं दिल तोड़ दी थी खुदा दी कसम, 50 रुपये की बर्फ़ ले के इस बंदे ने मेरा दिल तोड़ दिया यार, और वो भी मेरे बटवे से गए हैं 50 रुपया, मेरे पर्स से मेरी जेब से गए हैं। मुंशी भाई मैं रोटी खा गया, खुदा दा बंदा यक्का तू विलोक ते जोर देती पई, कुछ
सीधा थी वहीं कुछ रोटी खा गिदा कर तसल्ले दी गोदा चौबीस घंटे भी लोग तो जोर दी पा गोदा आखिरी है। हाँ हाँ ठीक है ये जरा ना आया दे मैं अपनी जनानी नाल खा अच्छा ओ ला लोग ते खा आन दिए अच्छा ए बक मार में दे हाँ क्या ना कमजोर थी गया दा अदा कमजोर बहुत थी गई थोड़ी देर ढेर ढेर बच्चा है हाँ वो आदम जाय होती ओ इसके पेट में बच्चा है दिमाग ना थोड़ी की किताब ना क्या है बच्चा तो इसकी बीवी के पेट में होना चाहिए नहीं पहले से इसके पेट में अच्छा इसके पेट में हाँ पहले मैंने मशीन लगवाई हाँ तो लेडी ने कहा कि दो महीने तक अच्छा अभी तो दो होने वाला है अच्छा सुकड़ गया है बच्चा छोटा हो गया है पेट भी सुकड़ गया अच्छा अच्छा फिर कल फिर ये तो मसला हो गया है फिर कल दवाई लेंगे फिर मतलब चेकअप कराना होगा चेकअप कराना है क्या है गिजाफ सही में नहीं काम मसला है कोई कमजोरी है अच्छा ये तो मसला हो गया बहुत बड़ा मसला है ये तो बेबी का मसला है बहुत परेशान है चलो अल्लाह खैर करेगा खाना खाया करो ना फिर आप खाना खा कोई ताकत वाली चीजें खाया करो ताकत वाली चीजें खाता हूं पापा किंजा काल जरा ओ किंजा ताकत वाली चीजें बहुत खाता हूं अच्छा। नींबू खाता हूं पापड़ खाता हूं और जाना पापे खाता हूं बहुत बहुत बढ़िया चीजें खाता हूं अच्छा ठीक ठीक काल जरा लेकिन काम खराब है क्यों भाई रोटी खा गए हां वो बदी रहेगी हां तेरा क्या हाल है सोनी तबीयत की में है तेरी सोनी ठीक है सोनी की में आजकल मजे ले वदी सोनी क्या करें नी वदी फिर जाओ अब मेरे लिए खाना ले आओ आलू पालक बनाया हुआ है आज चलें जी आज खाते हैं रोटी लेट हो रही है ब्लॉग एडिटिंग भी करना है डालना भी है आप लोगों को दिखाना भी है चलें जी अपने ब्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं खाना खाते हैं किंजा मेरे लिए खाना लेने गई हुई है तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए आप लोगों को बताता चलूँ कल से ना हमारे ब्लॉग में बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं आप लोगों को ठीक है ना आप लोगों ने लाजमी देखना है और कल मैं दोपहर को भी ब्लॉग एक डालूंगा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल दोपहर को भी ब्लॉग आएगा तो आप लोगों ने लाजमी देखना है ठीक है ना बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।